हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा था जिसमें कि हम लोगों ने हमारे आम के बगीचे में मेडिसिन स्प्रे किया था और अभी आम मैच्योर हो चुके हैं। तो आज हम जाएंगे हमारे आम के बगीचे से एक पेड़ के आम को तोड़ने के लिए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए देखने के लिए कि कैसे हम आम तोड़ते हैं और कैसे उन आम को वापस लाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे बगीचे में और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आम का बगीचा है वो दो गांव को क्रॉस करने के बाद पड़ता है। तो उसके लिए हमें हमारे ई रिक्शा में जाना पड़े और ये तो हमारी किस्मत अच्छी कि हमारे पास खुद का ई रिक्शा है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम टोटो से उतर चुके हैं और यहाँ पे हमें पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कच्ची सड़क है, तो यहाँ पर गाड़ी नहीं आएगी। तो और पीछे से मेरा भाई हाथ हिला रहा है, मारूँगा लगे से उसके सिर में। तो जल्दी ही हम अपने बगीचे में पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके मिलते हैं। तो पहुँचते ही मैं सबसे पहले एक पेड़ पे चढ़ गया और मैंने आम को तोड़ना शुरू कर दिया और मैंने गमछे से अपने पूरे चेहरे को कवर कर लिया क्योंकि जब इन आम को तोड़ते हैं तो उस आम के मुंह से एक वाइट कलर का एलिमेंट निकलता है जो स्किन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये उस जगह के मतलब स्किन इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो मैं आम को तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था और यहाँ पर सारे आम गिर रहे थे। बाद में जब सारे आम तोड़ के हो जाएंगे उसके बाद इन्हें समेटेंगे। तो इस पेड़ में मैं चढ़ा हुआ था और मेरे डैड वो लगे से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मुझे भी लगे से ही तोड़ना चाहिए, वो इससे आम का नुकसान कम होता है, लेकिन इतना वक्त है कहाँ, इसलिए मैं डायरेक्ट पेड़ पे चढ़ गया और आम का साइज देख ही सकते हैं। और ये वीडियो वैसे मेरा भाई बना रहा है और वो मुझे छोड़ के आमों पे ज़्यादा फोकस करने लगा है। सो फाइनली सारा आम तोड़ना हो गया है और अभी इन्हें समेट के टोकरियों में भर के वापस जाना पड़ेगा हमें हमारे ई रिक्शा के पास। एक कहावत है कि अगर मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे फल के लिए ही मेहनत मतलब फल के पीछे ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।